हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विकास बघेल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आयुर्वेद पंचकर्म के बारे में और जानेंगे पंचकर्म क्या होता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आज जानेंगे आयुर्वेद के उद्देश्य और आयुर्वेद से संबंधित षटकर्म के बारे में। तो दोस्तों आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा उसको क्लिक करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों अब हम जानेंगे आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा के सामान्य ज्ञान के बारे में। जैसा कि दोस्तों पंचकर्म शब्द से ही इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि ये पांच प्रकार का विशेष कर्म है। ये शरीर से मलों व दोषों को बाहर निकालने का कार्य करता है। पंचकर्म चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि कई बार अनेक प्रकार की औषधियों का सेवन करने पर भी रोग बार बार आक्रमण करते रहता है। इन रोगों से बचाव और इनके उन्मूलन के लिए शरीर के मलों और दोषों को बाहर निकालने के लिए एलिमेंट्री थेरेपी जो संशोधन की चिकित्सा प्रक्रिया जो मेथड होता है उसी को पंचकर्म चिकित्सा कहा जाता है। दोस्तों पंचकर्म चिकित्सा से पूर्व जिन कर्मों को किया जाता है उनको पूर्व कर्म कहा जाता है। पूर्व कर्म के अंतर्गत संशमन और संशोधन चिकित्सा की जाती है, उसमें स्नेहन और स्वेदन का विशेष महत्व होता है। दोस्तों ये पांच प्रकार के कर्म होते हैं जिनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि पंचकर्म का मुख्य कार्य मलों और दोषों को बाहर निकालना ही नहीं होता अपितु जो रोग बार बार शरीर पर आक्रमण करते रहते हैं और शरीर को बार बार घायल बनाते रहते हैं, इन रोगों के बचाव के लिए जो थेरेपी के माध्यम से चिकित्सा की जाती है वो पंचकर्म के द्वारा ही संभव होता है, वो पंचकर्म का ही मुख्य कार्य माना जाता है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं पंचकर्म में कौन कौन से पांच कर्म हैं और उनके किस प्रकार यूज किया जाता है, ये सब हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पंचकर्म में जो सबसे पहला कर्म होता है वो होता है दोस्तों वमन, जिसको एमिकिक थेरेपी कहा जाता है। एमिकिक थेरेपी के माध्यम से शरीर के लिए जो उपयोगी होता है उसके लिए किया जाता है। फिर है दोस्तों विरेचन, जिसको पर्गेटिव थेरेपी कहा जाता है। फिर है दोस्तों नस्य थेरेपी, जिसको इनहेलेशन थेरेपी और एरहाइन कहा जाता है, जो नाक के द्वारा जो थेरेपी की जाती है उसको नस्य थेरेपी कहा जाता है। फिर है दोस्तों अनुवासन वस्ती, ए टाइप ऑफ एनीमिया होता है ये। और फिर है दोस्तों निरुवस्ती, जो अनदर टाइप ऑफ एनीमिया होता है। इस प्रकार दोस्तों पंचकर्म के पांच कर्म होते हैं वमन, विरेचन, नस्य, अनुवासन और निरुवस्ती। अब दोस्तों हम इन सब का यूज देखेंगे, हमारी बॉडी के ऊपर इनका क्या फर्क पड़ता है और किस प्रकार हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। दोस्तों सुश्रुत आदि कुछ विद्यमानों ने नस्य के स्थान पर रक्त मोक्षण, जिसको ब्लड लेटिंग थेरेपी को पंचकर्म में गिना है। इन सभी प्रकार के कर्मों को करने से पहले यह देखना आवश्यक होता है कि रोगी शारीरिक या मानसिक दृष्टि से उसके योग्य है या नहीं, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। दोस्तों पंचकर्म से पहले कुछ तैयारी की जाती है जिसको पूर्व कर्म कहा जाता है और बाद में जो कुछ सावधानी व पथ्य का ध्यान रखना भी जरूरी होता है जिसको पश्चात कर्म कहा जाता है। रोगी के अनुसार विशेष प्रकार की औषधियों का चयन करने के लिए विशेष प्रकार की विधि या प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब आगे इन पाँचों कर्मों को संक्षिप्त रूप से विवरण दिया गया है। कफ के निर्वहन और बाहर निकालने के लिए एलिमिनेशन, जिसके लिए वमन जो थेरेपी होती है वो दोस्तों वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। सर्वश्रेष्ठ थेरेपी जो होती है दोस्तों वो वमन होती है, कफ को बाहर निकालने के लिए। दोस्तों पांच प्रकार के ही पंचकर्म होते हैं लेकिन सुश्रुत आदि कुछ विद्यमान हैं उन्होंने नस्य के स्थान पर रक्त मोक्षण का वर्णन दिया है। ये दोस्तों किसी अन्य आचार्य जैसे कि चरक बागवत ने इसके बारे में बताया नहीं है, उन्होंने सिर्फ पाँच ही कर्म माने हैं वमन, विरेचन, नस्य, अनुवासन वस्ती और निर्वस्ती। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं आगे इन सब के बारे में। दोस्तों पित्त के निर्वहन के लिए विरेचन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार दोस्तों कफ को बाहर निकालने के लिए वमन सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार दोस्तों पित्त जो होता है उस शरीर के अंदर जो एसिडिटी बनती है उसको बाहर निकालने के लिए विरेचन सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ पंचकर्म माना जाता है। ऐसे दोस्तों वात के निर्वहन के लिए एनीमिया या वस्ती, अनुवासन या आस्थापन दोनों प्रकार की वस्ती सर्वश्रेष्ठ होती हैं। दोस्तों कफ के लिए जो होता है बाहर निकालने के लिए वो वमन होता है, पित्त के लिए दोस्तों विरेचन होता है और वात को बाहर निकालने के लिए दोस्तों वस्ती की जाती है। इसी प्रकार दोस्तों शरीर में कोमलता व मृदुता को लाने के लिए स्वेदन सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों स्वेदन का मतलब होता है दोस्तों शरीर के अंदर पसीना आना, शरीर में कोमलता मृदुता जो टेंडरनेस को ख़त्म करने के लिए फॉर्मनेशन सबसे अच्छा तरीका होता है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं पंचकर्म के अनुसार पहले जो कर्म है जो वमन है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है कफ को बाहर निकालने के लिए। आज हम वमन के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों जो वमन होता है जिस प्रकार की चिकित्सा में उल्टी की जाती है
या फिर जो वॉमिटिंग लाने के लिए जो औषधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि दोस्तों पेट की शुद्धि हो सके, उसे वमन क्रम कहा जाता है। इस चिकित्सा का प्रयोग अधिक गर्मी व अधिक सर्दी के समय पर छोड़ने के विधान बताया है। दोस्तों अगर आप वमन की चिकित्सा कर रहे हैं जैसे किसी को उल्टी लाने की चिकित्सा, या फिर दोस्तों औषधियों के माध्यम से पेट को शुद्ध करने के लिए जो चिकित्सा की जाती है उसको वमन कहा जाता है। इस चिकित्सा को दोस्तों अगर किसी समय पर अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, अत्यधिक सर्दी है, तो उस समय पर दोस्तों वमन की चिकित्सा को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों अब हम आगे जानते हैं वमन के बारे में। दोस्तों वमन क्रम उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है जो कफज और पित्त रोगों से पीड़ित रहते हैं। इन रोगों के अंतर्गत खांसी, श्वास जैसे कि अस्थमा जो बीमारी होती है, जुकाम, कफज ज्वर, जी मिचलाना, भूख न लगना, अपच जिसको इंडाइजेशन बोला जाता है, ऐसे दोस्तों टॉलसिस होता है जिसको गलसुंडी कहा जाता है, रक्त की अल्पता जिसको एनीमिया कहा जाता है, विष का प्रभाव, शरीर के निचले अंगों से रक्त सतराव, कुष्ठ और अन्य चरम जैसे कि खुजली, विपर्श आदि, गांठे व गुलठी, सूजन, नाक की हड्डियों का बढ़ना, मूत्र रोग, ग्रहणी रोग, अतिनिद्रा, तंद्रा जैसे कि दोस्तों ड्रोसिसनेस होती है, ऐसे शरीर में किसी भी अंग की वृद्धि, मिर्गी आना, उन्माद, पतले दस्त, कान का बहना, चर्बी बढ़ना और इससे उत्पन्न होने वाले रोग, दुष्ट प्रतिशाय जैसे कि साइनस हुआ तथा नाक, तालु या होंठ आदि का पकना, ये सभी रोग इसके अंदर होते हैं। दोस्तों वमन क्रम के लिए इन सभी रोगों का इलाज किया जाता है। इसके लिए दोस्तों वमन प्रकार की चिकित्सा की जाती है। दोस्तों जो कफज और पित्त रोगी होते हैं उनके लिए वमन की चिकित्सा बताई गई है। दोस्तों इन रोगों के अंतर्गत जैसे दोस्तों किसी को खांसी है या फिर किसी को अस्थमा की परेशानी या फिर किसी को जुकाम हो गया है, कफज ज्वर है और उसका जी मिचलाना है या फिर भूख न लगना, ऐसी कंडीशन है तो दोस्तों इस कंडीशन में वमन क्रिया की जाती है। वोमिटिंग लाने के लिए औषधियों का सेवन किया जाता है जिससे कि दोस्तों यह सब बीमारी जल्दी ही खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर किसी को इंडाइजेशन, किसी के पेट के अंदर कवच बैठ गई है, तो उसके लिए दोस्तों उल्टी एक ऐसा माध्यम होता है वोमिटिंग के द्वारा उसकी जो पच होती है, पचने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और जठराग्नि अच्छे रूप से कार्य करती है। ऐसे दोस्तों किसी को गलसुंडी है या फिर किसी के शरीर के अंदर रक्त की अलपता है, उस कंडीशन में दोस्तों वमन क्रम करवाना अच्छा रहता है। दोस्तों अगर किसी ने विष का सेवन कर लिया है तो उसे उल्टी के माध्यम से जैसे कुछ औषधियाँ होती हैं जैसे कि घी पिलाना, उसको घी पिला दिया जाता है जिससे कि जो पेट के अंदर जो जहर पहुंच गया है या विष पहुंच गया है उसको बाहर उल्टी के माध्यम से निकाला जाता है और व्यक्ति की जान बचाई जाती है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों वमन की क्रम की चिकित्सा सबसे अच्छी लाभप्रद रहती है। शरीर के निचले अंगों से रक्त स्राव होने लगता है दोस्तों, उसके लिए भी वमन क्रिया की जाती है। दोस्तों अगर किसी को कुष्ठ जैसे कि त्वचा से रिलेटेड कोई डिजीज होती है या फिर चरम रोग जैसे खुजली, विपर्ष आदि होना, इन कंडीशन में दोस्तों वमन की क्रिया कराई जाती है। दोस्तों अगर किसी के गांठे या गुलटी आती है, सूजन होती है, नाक की हड्डी का बढ़ना, किसी के अंदर मूत्र रोग के संबंधित कोई भी कंडीशन होती है, ऐसे प्रकार की चिकित्सा के लिए भी वमन की चिकित्सा की जाती है। दोस्तों किसी में ग्रहणी रोग, अति निद्रा, तंद्रा, शरीर में किसी भी अंग की वृद्धि होती है या फिर मिर्गी आती है, उन्माद, पतले दस्त, कान का बहना, चर्बी बढ़ना, दोस्तों इससे उत्पन्न होने वाले रोग, साथ ही साथ दोस्तों किसी को प्रतिसाय हो गया जैसे साइनस है, उसके नाक, तालु है, होंठ का पकना, ये सभी प्रकार के अगर किसी को बीमारी है उसके लिए दोस्तों वमन क्रम की चिकित्सा की जाती है। पंचक्रम के दौरान दोस्तों वमन जो क्रम होता है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। इस प्रकार की चिकित्सा का प्रयोग करने से दोस्तों शरीर के अंदर शुद्धि हो जाती है और दोस्तों शरीर जो होता है वो स्वस्थ रहता है हमेशा के लिए। दोस्तों हम आगे जानते हैं विरेचन के बारे में। जब आंतों में स्थित मल पदार्थ को गुदा के द्वारा बाहर निकालने के लिए औषधियों का प्रयोग किया जाता है तो इस क्रिया को विरेचन कहा जाता है। दोस्तों जो मल पदार्थों को गुदा के द्वारा बाहर निकालने के लिए औषधियों का प्रयोग होता है वो विरेचन कहलाता है। यह एक प्रकार का महत्वपूर्ण संशोधन होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः शरद ऋतु में किया जाता है। दोस्तों जो शरद ऋतु रहती है वो सबसे अच्छी ऋतु, सर्वश्रेष्ठ ऋतु मानी जाती है। दोस्तों वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, जैसे कि दोस्तों जुलाई अगस्त का महीना जो होता है वो वर्षा ऋतु के दौरान रहता है। उसके बाद जो दो महीने आते हैं जैसे कि जुलाई अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होता है वो शरद ऋतु के अनुसार आता है। परंतु यदि रोग अगर गंभीर अवस्था में हो तो दोस्तों किसी भी ऋतु में इसका प्रयोग किया जाता है। तो और भी जान लेते हैं विरेचन के बारे में। विरेचन जो होता है सामान्यतः शरीर में शुद्धि लाने के लिए तो विरेचन क्रिया का प्रयोग किया ही जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों पित्त का प्रकोप, आम जैसे कि आधा पचा या बिल्कुल ना पचा हुआ आदि से उत्पन्न होने वाले रोग, अफारा और कुष्ठ जैसे भयंकर चरम रोगों को दूर करने के लिए विरेचन क्रम का प्रयोग किया जाता है।
इसके सम्यक प्रयोग से इंद्रियों में शक्ति, बुद्धि में ताजगी, पाचन अग्नि में वृद्धि तथा रस रक्त आदि धातुओं और शारीरिक बल में स्थिरता आती है। दोस्तों, जो विरेचन होता है वो शरीर की शुद्धि करने के साथ साथ पित्त का प्रकोप, जैसे किसी के अंदर दोस्तों एसिडिटी होती है या फिर इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम होती है, उन सभी रोगों का खात्मा करता है। साथ ही साथ दोस्तों ये अफारा जैसे पेट का फूलना, कुष्ठ रोग जैसे कि दोस्तों खुजली वाले रोग होते हैं, जो त्वचा से रिलेटेड रोग होते हैं, उन सभी रोगों को दूर करने के लिए विरेचन क्रम का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से दोस्तों शरीर के अंदर इंद्रियों के अंदर शक्ति बढ़ती है। दोस्तों शरीर के अंदर 11 प्रकार की इंद्रियाँ होती हैं, वो सारी शक्ति बढ़ती हैं। 11 इंद्रियों में दोस्तों 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियाँ और एक उभयेंद्रिय होती है जिसको मन कहा जाता है। ऐसे दोस्तों मन के अंदर शरीर की शक्ति बढ़ती है, साथ ही साथ दोस्तों बुद्धि में ताजगी होती है और पाचन अग्नि भी वृद्धि होती है। पाचन अग्नि बढ़ने के साथ दोस्तों जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो जल्दी ही खत्म हो जाती है। 7 प्रकार की धातु, रस रक्त मांसमित अस्थि मज्जा शुक्र और शारीरिक बल में स्थिरता आती है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं नस्य कर्म के बारे में। इसको सिरोविरेचन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें सिर, नेत्र, कान, नाक व गले के रोगों की चिकित्सा की जाती है, जिसको नस्य या सिरोविरेचन कर्म कहा जाता है। दोस्तों इसमें नस्य, सिर से कफ आदि दोषों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसके लिए तीक्ष्ण प्रभाव वाले तेल और तीक्ष्ण औषधियों के रस और क्वाथ आदि से पकाए हुए तेलों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों औषधियों के रस या चून का भी प्रयोग किया जाता है। नस्य का प्रयोग कफज, ऊर्ध्व जंतु रोग जैसे कि नाक, कान, गला व सिर के रोगों एवं सिरशूल, स्वयंक्षय, पीनस, प्रतिक्षाय, शोथ जैसे कि सूजन, अपस्मार जैसे मिर्गियाना, कुष्ठ जैसे भयंकर चरम रोग व अरुचि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जो सिरोविरेचन होता है उसमें दोस्तों 5 होते हैं, जैसे कि नाक, कान, गला, सिर आदि की चिकित्सा की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों नस्य का प्रयोग कफज विकारों को ठीक करने के लिए, सिरशूल, स्वरक्षय, पीनस, प्रतिक्षाय, सूजन, अपस्मार, कुष्ठ आदि चरम रोगों को दूर करने में किया जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों अरुचि में भी किया जाता है, जिनके अंदर रुचि पूर्ण रूप से खत्म हो गई है उनके अंदर नस्य का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनके अंदर दोस्तों रुचि इंटरेस्ट उत्पन्न होता है और दोस्तों उनकी अरुचि जैसे खाने के प्रति अरुचि हो जाती है। किसी को खाना खाना अच्छा नहीं लगता तो उसे खाना खाना अच्छा लगने लगता है, अगर नस्य चिकित्सा पूर्ण रूप से अच्छे प्रकार से की जाती है तो। दोस्तों हम जानते हैं अनुवासन वस्ति के बारे में। जिस चिकित्सा क्रम में गुदा मार्ग के द्वारा औषधि प्रविष्ट कराई जाती है उसे वस्ति क्रम कहते हैं। जिस वस्ति क्रम में केवल घी, तेल आदि स्नेह द्वारा द्रवों द्वारा अथवा क्वाथ आदि के साथ अधिक मात्रा में स्नेह पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उसे अनुवासन या स्नेहन वस्ती कहा जाता है। दोस्तों इस चिकित्सा में गुदा मार्ग के द्वारा औषधि जो होती है वो शरीर के अंदर डाली जाती है, उसे वस्तीक्रम या अनुवासन वस्तीक्रम कहा जाता है। इस वस्ती में घी, तेल, वसा, मज्जा आदि जो 4 प्रकार के स्नेह द्रव्य होते हैं और क्वाथ आदि के अधिक मात्रा में स्नेह पदार्थों का प्रयोग करके अनुवासन वस्ती या स्नेहन वस्ती के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग करने से दोस्तों कोष्ठ की शुद्धि के साथ साथ स्निग्धता आती है और स्थानीय कोमलता भी आती है। अनुवासन वस्ति से शरीर के अंदर पुष्टता आती है और शक्ति, स्वास्थ्य व आयु के अंदर वृद्धि होती है और दोस्तों रंग के अंदर भी इसमें निखार आता है। दोस्तों अनुवासन वस्ति का प्रयोग करने से शरीर में पुष्टता आती है, शरीर के अंदर शक्ति बढ़ती है, शरीर का जो स्वास्थ्य रहता है वो अच्छा रहता है। इससे दोस्तों आयु में भी वृद्धि होती है और संग के साथ साथ रंग के अंदर भी दोस्तों निखार आता है, उसको अनुवासन वस्ति जाना जाता है। दोस्तों अब जानते हैं नरुवस्ती। नरुवस्ती दोस्तों पंचक्रम की लास्ट वस्ती होती है। इस वस्ती का प्रयोग किस तरह किया जाता है जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों जिस वस्ती क्रम में कोष्ठ की शुद्धि के साथ साथ औषधियों के क्वाथ, दूध और तेल का भी प्रयोग किया जाता है उसे नरुवस्ती कहा जाता है, क्योंकि वस्ती शरीर से वात आदि दोषों और धातुओं को समस्थिति में स्थापित करने के लिए सहायक होती है। अतः दोस्तों इसको आस्थापन वस्ती भी कहा जाता है। दोस्तों इस वस्ती के दौरान वातज रोग, ऊर्ध्वगत रोग जैसे वायु का ऊर्ध्वगमन, वात रक्त गठिया हो गया है किसी को, विषम ज्वर, मलेरिया, उदर रोग, पेट में अफारा, मूत्राशय में पथरी, शूल, अमरपित्त जैसे कि दोस्तों किसी को हाइपर एसिडिटी हो जाती है उसे अमरपित्त कहते हैं। दोस्तों एसिडिटी से भी ज़्यादा जो हो जाती है उसको हाइपर एसिडिटी कहा जाता है। मंदग्नि हो जाती है दोस्तों, अगर किसी की मंदग्नि हो जाएगी तो वो खाने को पचा नहीं पाएगा तो उसमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसे दोस्तों किसी के अंदर मूत्र में रुकावट, हृदय रोग, परमेह, रक्त परदर और कवच जैसी रोगों से पीड़ित व्यक्ति को निरुवस्त्र दी जाती है। दोस्तों वातज रोगों में ऊर्ध्वगत वायु का जैसे ऊर्ध्वगमन होता है, वात रक्त गठिया रोग में विषम ज्वर, मलेरिया, उदर रोग, पेट का अफारा, मूत्राशय में पथरी के इलाज में दोस्तों निरुवस्त्र की जाती है। इसके साथ दोस्तों अगर किसी भी शरीर के
अंग में सूल होता है मतलब दर्द उत्पन्न होता है उसमें भी निरूण वस्ती की जाती है। हाइपर एसिडिटी की कंडीशन में, मंदग्नि की कंडीशन में, मूत्र में रुकावट, हृदय रोगी है कोई, अगर किसी को डायबिटीज है तब भी, और किसी को अगर रक्त प्रदर है या फिर कब्ज जैसी बीमारी है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें निरूण वस्ती का प्रयोग किया जाता है। इन प्रकार की जो पाँच प्रकार की चिकित्सा प्रणाली होती है दोस्तों, पंचकर्म जो चिकित्सा प्रणाली होती है, वमन विरेचन नस्य अनुवासन वस्ती और निर्वाण वस्ती, इन वस्तियों का प्रयोग करने से ही शरीर के अंदर सभी प्रकार की शुद्धि होती है और दोस्तों शरीर के अंदर स्वस्थता आती है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं आयुर्वेद के बारे में। थोड़ी देर पहले हमने पंचकर्म के बारे में जाना था कि पंचकर्म से किस प्रकार शरीर की शुद्धि होती है और शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आयुर्वेद पंचकर्म किस प्रकार अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद क्या है और ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी है और हमारे शरीर में किस प्रकार ये फायदेमंद होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं आयुर्वेद हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है। दोस्तों जो आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों आयुर्वेद के सिर्फ दो ही मुख्य उद्देश्य हैं, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगों से इसका बचाव करना। यही दोस्तों दो उद्देश्य होते हैं आयुर्वेद के। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको हमेशा स्वस्थ रखना है और जो रोगी व्यक्ति हैं उनके रोगों को दूर करना ही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य होता है। रोगों से बचाव के लिए ऋषियों ने अनेक बातों पर ध्यान दिया है। आयुर्वेद के अनुसार कोई भी रोग केवल शारीरिक व मानसिक नहीं हो सकता। इसके लिए दोस्तों शारीरिक रोगों का कुप्रभाव मन पर तो मानसिक प्रभाव का कुप्रभाव शरीर पर पड़ता है। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि आयुर्वेद के अनुसार कोई भी रोग जो होता है वो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार में से किसी एक प्रकार का नहीं हो सकता। अगर किसी को शारीरिक रोग है तो उसके मन पर भी बुरा असर पड़ेगा, अगर किसी को मानसिक रोगी है तो उसके शरीर पर भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा, ये सभी जानते हैं दोस्तों। इसलिए आयुर्वेद में सभी रोगों को मनोदेहिक मानकर चिकित्सा की जाती है। दोस्तों मनोदेहिक का मतलब होता है कि मन और देही को आधार मानकर ही इसमें चिकित्सा की जाती है। इसमें दोस्तों शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की चिकित्सा की जाती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी के अंदर शारीरिक रोग है तो वह मन से दुखी रहेगा, अगर किसी को मानसिक रोग है तो उसका शरीर हमेशा कम होता जाएगा और उसके अंदर ह्रास होता चला जाएगा शरीर का, जिसकी वजह से दोस्तों उसकी स्वस्थता पर नाश होने की वजह से उसका शरीर क्षीण हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं आयुर्वेद का चिकित्सा केवल रोगों के लक्षणों के आधार पर ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ रोगी की आत्मा, मन, शारीरिक प्रकृति, वात, पित्त, कफ आदि जैसे दोष होते हैं, मल होते हैं और धातुओं की स्थिति को ध्यान में रखकर रोगी की चिकित्सा करता है। दोस्तों जो आयुर्वेद होता है वो रोगी की चिकित्सा के लिए आत्मा, मन, शारीरिक प्रकृति, तीनों प्रकार के दोष, तीनों प्रकार के मल और सात प्रकार के धातुओं की स्थिति को रखकर रोगी की चिकित्सा करता है। इसलिए दोस्तों आयुर्वेद लाक्षणिक नहीं बल्कि सांस्थानिक चिकित्सा पद्धति होती है। आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक औषधि रसायन का रूप होती है। रोग प्रतिरोधक औषधियों व पथ्य आहार का विस्तृत रूप से विवरण विश्व को आयुर्वेद की ही दोन है। दोस्तों जो शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो औषधि का प्रयोग किया जाता है, जो जितने भी अच्छे आहार होते हैं, अच्छे आहार मतलब जो पथ्य आहार होते हैं जो शरीर के लिए अच्छे रहते हैं, शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं, वो सब दोस्तों आयुर्वेद की ही देन होती है। औषधि चिकित्सा के साथ साथ दिनचर्या का मतलब दोस्तों डेली रूटीन क्या है आपका, प्रातः जागरण, सुबह जल्दी उठना, प्रातः खाली पेट जल की सेवन की विधि, मल त्यागने की विधि, दंत धावन, दांतों की साफ सफाई करना, शरीर की मालिश करना और व्यायाम से लेकर वस्त्र व आभूषण धारण करने की विस्तृत विवरण भी आयुर्वेद में ही किया जाता है। इसी तरह से दोस्तों रात्रिचर्या होती है, मतलब कि दोस्तों रात्रिचर्या का मतलब होता है कि नाइट रूटीन किस प्रकार होना चाहिए, रात्रि के समय में सोने का समय क्या होना चाहिए, रात्रि में भोजन किस प्रकार करना चाहिए। दोस्तों हमेशा रात्रि के अंदर लघु भोजन करना चाहिए और दोस्तों आचार आदि की सम्यक वर्णन आयुर्वेद में ही किया जाता है। दोस्तों इसी प्रकार हम कह सकते हैं आयुर्वेद हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और इससे ही दोस्तों हमारा जीवन जुड़ा हुआ होता है। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। दोस्तों विभिन्न प्रकार के ऋतुओं के अनुसार किए जाने वाले आचरण, खान पान, रहन सहन आदि का विस्तृत उल्लेख भी आयुर्वेद से ही प्राप्त होता है। दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर छह प्रकार की ऋतुएं होती हैं, जैसे कि दोस्तों हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। यह छह प्रकार की ऋतु होती हैं दोस्तों, जो कि दो दो महीने की होती हैं। हर ऋतु दोस्तों दो महीने की होती है। उन ऋतुओं के अनुसार हमें क्या आचरण करना चाहिए, कैसा हमें खान पान रखना चाहिए, हमें उस समय में किस प्रकार रहना चाहिए और रहना सहना, इसी प्रकार का जो विस्तृत प्रकार का उल्लेख जो मिलता है वो हमें आयुर्वेद से ही प्राप्त होता है, जिसके अनुसार दोस्तों आहार विहार अपनाने से स्वास्थ्य की रक्षा होती है और मनुष्य रोगों से बचा रहता है। दोस्तों अब हम इसी प्रकार के आहार विहार को अपनाएंगे तो हमारे शरीर की रक्षा होगी और मनुष्य दोस्तों हमेशा रोगों से बचा हुआ रहेगा। जीवन में स्वस्थ तथा सुखी रहने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी वर्णन आयुर्वेद से ही प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आप जीवन में खुशी रहना चाहते हैं, सुख रहना चाहते हैं तो आपको धर्म के काम करने चाहिए, आपको अर्थ जैसे कि जो दोस्तों जो मनी से रिलेटेड होता है उस प्रकार के काम करने चाहिए, जैसे कि आपको काम से अत्यधिक रूप से बचना चाहिए,
चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आप काम के प्रति अधिक ज़्यादा आसक्त हो जाएं। और दोस्तों इसी प्रकार से इन तीनों के अच्छे प्रभाव होने से शरीर को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो कि आयुर्वेद में ही इसके बारे में बताया जाता है। प्रत्येक मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, व्यवहार की मर्यादा कितनी होनी चाहिए आदि सामाजिक और पारिवारिक, राष्ट्रीय, आध्यात्मिक और वैशेषिक विचारों का समावेश ही आयुर्वेद के अंदर प्राप्त होता है। किस तरह के आचरण से दूर रहना चाहिए, किस प्रकार का हमें मार्गगमन करना चाहिए, किस प्रकार का स्वभाव रहना चाहिए, व्यवहार, बैठने का तरीका, दोस्तों सब कुछ, देखने की विधि, किस प्रकार का दोस्तों अमर्यादित आचरण हो, उन सबसे हमें किस प्रकार बचना चाहिए, सब दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार ही करना चाहिए और इसे आयुर्वेद से ही प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी आदि विषयों के जो समायोजन होता है वो आयुर्वेद में ही प्राप्त होता है। दोस्तों सामान्यतः आचार विचार, किससे मित्रता करें, किससे मित्रता ना करें, किसके साथ बोलें, कितने सहज और सरल रूप से बोलें, किस तरह से निर्भावनी होकर चरित्रवान रहना चाहिए और दोस्तों सद्भाव एवं प्रकृति को ठीक रखते हुए दूसरों के दुख में शामिल होना और दूसरों के सुख में दूसरों को शामिल करना भी ये सब आयुर्वेद हमें सिखाता है। इसलिए दोस्तों आयुर्वेद भारतीय परंपरा एवं संपूर्ण मानव जीवन के शास्त्र और जीवन दर्शन होता है। दोस्तों हम इस प्रकार कह सकते हैं, जो आयुर्वेद होता है वो हमको हमारे चरित्र, हमारे सद्भाव, प्रकृति को ठीक रखना, दूसरों की खुशी में खुशी और दूसरे के दुख में दुख शामिल करना, ये सब दोस्तों में आयुर्वेद से ही प्राप्त होता है। जितने भी प्रकार के दोस्तों जो सार्वजनिक बातें होती हैं, जो प्रकार के जो हमें अपने मौलिक आधार प्राप्त होते हैं, वो दोस्तों आयुर्वेद से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद जो होता है वो भारतीय परंपरा और संपूर्ण मानव जीवन का एक शास्त्र और अच्छा जीवन दर्शन होता है। दोस्तों अब हम जानते हैं सुस्वास्थ्य के लिए योग अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए। अगर हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से योग आसन करने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों हम ये जानेंगे कि षटकर्म कौन कौन से होते हैं और छह कर्म कौन से होते हैं जो हमारे शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमारे लिए लाभप्रद होते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आयुर्वेद शास्त्र की तरह ही योग शास्त्र भी एक बहुआयामी और बहुत ही व्यापक शास्त्र होता है, क्योंकि दोस्तों इसलिए जो रोग योग होते हैं उसके लिए संपूर्ण ज्ञान विज्ञान और अभ्यास को पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें योग शास्त्रों का गहन अध्ययन व योग से दक्षता किसी योग गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त की जा सकती है। परंतु जन सामान्य के ज्ञान के लिए व्यवहारिक रूप से जिस क्रियात्मक योग अभ्यास के द्वारा श्रद्धे स्वामी रामदेव जी ने करोड़ों लोगों का आरोग्य देकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, उस रोग के क्रियात्मक व्यवहारिक पहलू के संक्षेप में हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। यद्यपि दोस्तों रोग उपचार की दृष्टि से योग के आसन, मुद्राएं, क्रिया तथा षटक्रम भी उपयोगी होते हैं, लेकिन दोस्तों करोड़ों रोगियों ने अपने अनुभव के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। दोस्तों जो स्वामी रामदेव जी हैं उन्होंने करोड़ों लोगों को योग के द्वारा अपने कीर्तिमान प्राप्त करवाया है कि योग के माध्यम से ही हर रोग को दूर किया जा सकता है। दोस्तों इसमें करोड़ों रोगियों के अनुभव के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिकतम रोगों का उपचार मात्र मुख्य 8 प्रकार के प्राणायाम और 12 प्रकार के आसनों द्वारा किया जा सकता है तथा एलोपैथी की दवाएं या ऑपरेशन के बिना अधिकांश रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। विशेषकर परिस्थितियों में कुछ विशिष्ट प्राणायाम और आसनों का अभ्यास किया जा सकता है। दोस्तों योग द्वारा त्रिदोषों का संतुलन और त्रयोदश अग्नियों का नियंत्रण, अष्ट धातुओं का पोषण, साथ ही साथ दोस्तों स्त्रोत शुद्धि के लिए शरीर, इंद्रिय व मन की पूर्ण शुद्धि और आत्मबोध की प्राप्ति की जाती है। दोस्तों आयुर्वेद में इन सभी अवस्थाओं को पूर्ण आरोग्य और स्वास्थ्य रखा जाता है। दोस्तों इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि 8 प्रकार के प्राणायाम और 12 प्रकार के आसनों से हर प्रकार का रोग दूर किया जा सकता है। इसके लिए हमें कोई एलोपैथी की दवा का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से रोगों से छुटकारा केवल 8 प्राणायाम और 12 आसनों से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों ने 8 प्रकार के प्राणायाम और 12 प्रकार के आसनों के बारे में वीडियो में आगे बताया जाएगा, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहें। दोस्तों इसमें यह भी बताया है कि 3 प्रकार के दोषों का संतुलन और 13 प्रकार के अग्नियों का नियंत्रण करने के लिए, अष्ट धातुओं का पोषण और स्त्रोत शुद्धि के लिए शरीर, इंद्रिय और मन की पूर्ण शुद्धि और आत्मबोध की प्राप्ति की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आयुर्वेद शास्त्र इन सभी अवस्थाओं को पूर्ण आरोग्य प्रदान करता है। दोस्तों शरीर के अंदर आयु को बढ़ाता है और स्वास्थ्य को लाता है, सब आयुर्वेद के द्वारा ही संभव हो पाता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं आयुर्वेद में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। परंतु आयुर्वेद व योग के ग्रंथों में जहाँ जहाँ शारीरिक व्यायाम या अन्य क्रियाओं की बात की जाती है वहाँ पर 3 दोषों के समन और सम जो बैलेंस कंडीशन होती है उसके बारे में चर्चा नहीं की जाती। परंतु दोस्तों आयुर्वेद के जिज्ञासुओं का यह मानना होता है कि शरीर में जिस तरह से औषधियों के द्वारा विषम दोषों को सम किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से व्यायाम के द्वारा विषम दोषों को भी सम किया जाता है। दोस्तों ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो दोष सम हैं
और जो विषम होने से रोकने के लिए विविध प्रकार के योग अभ्यास, सूर्य नमस्कार, व्यायाम और प्रातः भ्रमण करना, ये सभी क्रिया की जाती है। इससे दोस्तों जो दोष होते हैं वो सम रहते हैं और रोग की उत्पत्ति नहीं होती। दोस्तों रोगोपचार के लिए, रोगोपचार व शरीर की शुद्धि के लिए षटकर्म, षटकर्म दोस्तों कौन कौन से होते हैं, नेति, धोती व वमन, शंख परिचालन आदि क्रियाओं के द्वारा शरीर शोधन की क्रियाओं के अभ्यास भी किया जाता है, परंतु उक्त क्रियाओं को किसी योग्य गुरु के संक्षेप में ही संरक्षण में ही करना चाहिए। दोस्तों जो व्यायाम होता है उससे सभी विषम दोष सम रह जाते हैं, और दोस्तों इसीलिए योग अभ्यास, सूर्य नमस्कार, व्यायाम, प्रातः भ्रमण क्रिया की जाती है रोगों को दूर करने के लिए और शरीर की शुद्धि के लिए षटकर्म किया जाता है। इसमें नेति, धोती, वमन, शंख प्रचालन आदि क्रियाओं के द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है। और दोस्तों इन्हीं सभी जो क्रियाओं के द्वारा करने के लिए दोस्तों आपको किसी न किसी गुरु के संरक्षण का जरूरी अवश्य पालन करना चाहिए। दोस्तों अब हम जानते हैं कुछ आसनों के बारे में। इसमें दोस्तों सबसे पहले हैं अंतस्थावित ग्रंथियों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से आसन हैं। इसके लिए दोस्तों अंतस्थावित ग्रंथि होती हैं, सबसे पहले है दोस्तों पीनल ग्रंथि, उसको प्रभावित करने के लिए दोस्तों आसन है शीर्षासन किया जाता है, सर्वांग आसन किया जाता है और वृक्षासन किया जाता है। दोस्तों अगर दूसरी है जो है अंतस्थावित ग्रंथि वो है पिट्यूटरी, उसको प्रभावित करने वाला आसन है दोस्तों शीर्षासन, सर्वांगासन और वृक्षासन। थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाला आसन सर्वांगासन, हलासन आसन और मत्स्यासन आसन। फिर है दोस्तों प्रकुंजयाज जो होता है दोस्तों उसके लिए जो आसन किया जाता है वो होता है मत्स्य इंद्रियासन, चक्रासन और मत्स्य इंद्रियासन आदि। दोस्तों जो वृक्ष होते हैं, जो किडनी होती है उसको प्रभावित करने वाले जो आसन है वो है भुजंगासन, योग मुद्रासन, मत्स्य इंद्रियासन इत्यादि। दोस्तों जो अधिवृक्क होती है उसके लिए दोस्तों आसन किए जाते हैं वो है म्यूरासन और वृक्ष पर प्रभाव होने वाले सारे आसन। ऐसे दोस्तों जनन ग्रंथियाँ होती हैं शरीर के अंदर, उनके लिए जो आसन है वो है वृज्यासन, सिद्धासन आसन, शलभासन आसन और उत्तानपादासन। दोस्तों अब जानते हैं विभिन्न व्याधियों में प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से आसन हैं। दोस्तों रोग और लक्षण और उनके आसन के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों अगर किसी को मोटापे की समस्या है या फिर वह मोटापे के रोग से ग्रस्त है तो उसके लिए पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, गोमुखासन, मत्स्य इंद्रियासन, धनुरासन और हस्तपाद आसन आदि आसनों के बारे में बताया है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर किसी को अस्थि संधि विकार एवं कटिशूल है तो उसके लिए दोस्तों वीरासन, भुजंगासन, शलम्भासन, धनुरासन, वज्रासन, मत्स्यासन, सुप्त एवं वज्रासन आदि के बारे में मुख्य रूप से बताया है। ऐसे दोस्तों अगर किसी को उच्च रक्तचाप या फिर हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है, ऐसे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रस्त है तो उसके लिए दोस्तों शवासन, पद्मासन, जैसे कि जो ध्यान का आसन होता है उसे पद्मासन बोलते हैं, उसी प्रकार दोस्तों सर्वशक्ति आसन आदि का आदि आसनों के बारे में बताया है। दोस्तों मैंने उच्च रक्तचाप के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों निम्न रक्तचाप, अगर किसी को लो बीपी की कंडीशन है तो उसके लिए दोस्तों सर्वांगासन, शीर्षासन, भुजंगासन, योग मुद्रासन आदि के बारे में बताया है। श्वसन विकार, फुफ्फुस विकार, सर्जीन खांस की कंडीशन में दोस्तों अगर किसी को लंबे समय से खांसी है या फिर किसी को लंग्स डिजीज है या फिर उसे सांस की डिजीज जैसे कि अस्थमा आदि से परेशान है तो उसके लिए दोस्तों भुजंगासन का रोजाना सेवन करना है। साथ ही साथ दोस्तों सर्वांगासन की रोजाना प्रैक्टिस करनी है। पश्चिमोत्तानासन, मत्स्यासन, वज्रासन और सिंहासन आदि के बारे में बताया है। दोस्तों अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके लिए मयूरासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, गोमुख आसन और चक्रासन आदि के बारे में बताया है। अगर दोस्तों किसी को अजीर्ण, मंदाग्नि या अम्लपित्त है तो उसके लिए वज्रासन, वीरासन, पवन मुक्ता आसन, उत्तानपादासन, मयूरासन, अर्धमत्स्य इंद्रियासन और गोमुखासन आदि के बारे में बताया है। विवंद एवं वायु विकारों में पवन मुक्त आसन, जानुशिरा आसन, भुजंगासन, धनुरासन, उत्तानपादासन आदि के बारे में बताया है। उसी प्रकार मस्तिष्क विकार, अनिद्रा और चित्रदोग आदि के लिए शवासन, शीर्षासन, विपरीत करनी, योग मुद्रासन, पद्मासन, सर्वशीतकासन आदि के बारे में बताया है। रजो विकृति, गर्भाशय विकृति के दौरान शलभासन, वीरासन, उत्तानपादासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्यासन, सुप्त वज्रासन आदि के बारे में बताया है। उसी प्रकार अर्श, सिरा कुटिलता के लिए शिरासन, सर्वांगासन, हलासन आसन, उत्तानपादासन आदि के बारे में बताया है। दोस्तों अगर किसी को इन प्रकार के विकारों से पीड़ित है तो उसके लिए जो भी इसमें आसन बताए हैं उनका नियमित रूप से सेवन करने से आपको उन विकारों से छुटकारा मिल सकता है। अभी तक दोस्तों हमने बहुत सारे आसनों के बारे में जाना था, अब हम जानेंगे दोस्तों ऐसे कौन कौन से प्राणायाम हैं जिनका प्रयोग करने से बहुत सारी व्याधियों को दूर किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। इसमें सबसे पहले है दोस्तों भुस्त्रिका प्राणायाम।
उसका प्रयोग करने से सर्दी, जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, पुराना नज़ला, साइनस, थायराइड, टॉन्सिल, गले के समस्त सभी प्रकारों को दूर करने में भी लाभप्रद रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों शरीर के विषाक्त और विजातीय द्रव्यों को निकालने में भी अच्छा रहता है और हृदय तथा मस्तिष्क को शुद्ध प्राणवायु मिलाने के लिए आरोग्य प्रदान करता है। दोस्तों जो भुस्ते का परिणाम होता है वो सर्दी, जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, पुराने नज़ला या फिर किसी को थायराइड, टॉन्सिल या गले से समस्त किसी प्रकार का रोग है उसको भुस्ते का परिणाम करना चाहिए। उससे दोस्तों उसके शरीर से विषाक्त और विजातीय द्रव्यों का निष्कासन होगा और साथ ही साथ उसका मस्तिष्क और हृदय हमेशा के लिए शुद्ध रहेंगे। दोस्तों दूसरा है कपालभाति परिणाम। कपालभाति परिणाम करने के लिए समस्त कफज विकार, दमा, एलर्जी, साइनस, मोटापा, मधुमेह, गैस, कब्ज, अम्लपित्त, वृक्क और प्रोस्टेट से संबंधित विकार, आमाशयाग्नाशय और यकृत पीलिया आदि विकारों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों कपालभाति परिणाम रोजाना करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों क्या करना चाहिए, आपको एक नाक बंद करनी है और दूसरी नाक से सांस लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों जो दूसरी नासिका होती है उसको बंद करना है और फिर पहली बारी एक से सांस छोड़ना रहता है और एक से सांस लेना होता है। इससे दोस्तों सभी प्रकार के मधुमेह, गैस संबंधी, अम्लपित्त, वृक्क और प्रोस्टेट से संबंधित विकार, आमाशयाग्नाशय और यकृत पीलिया सभी विकारों में लाभदायक होता है। ऐसे दोस्तों दूसरा है बाह्य परिणाम। इसमें दोस्तों स्पंदों, शीर्षपतन आदि सभी धातु विकार और उदर रोग, गुदभ्रंश, अर्श, फेसर, बगंधर, योनि भ्रम, बहुमूत्र एवं यौन रोगों से लाभ प्रदान करने के लिए जठराग्नि प्रदीप्त होती है। उसके लिए दोस्तों बाह्य परिणाम करना चाहिए। अगर किसी को ये रोग होते हैं जैसे कि स्वप्न दोष, शीघ्रपतन, धातु विकार, उदर रोग, गुद्र आसन, अर्श, फेसर, बगंधर, योनि भद्र, बहुमूत्र या फिर यौन रोगों से जो लाभ प्रदान करने वाले होते हैं उसके लिए दोस्तों बाह्य परिणाम का प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला दोस्तों उज्जयायी परिणाम। इसके लिए जीन प्रतिसाय, पुरानी खांसी, थायराइड ग्रंथि की अल्प तथा अति क्रियाशीलता से उत्पन्न विकार, हृदय रोग, फुफ्फुस एवं कंठ विकार, अनिद्रा, मानसिक तनाव, टॉन्सिल, हजीन, अजीन, आमवात, जलोदर, क्षय तथा ज्वर से लाभ प्रदान करने वाला होता है। दोस्तों उज्जयायी परिणाम होता है उससे जीन प्रतिसाय, पुरानी खांसी, थायराइड ग्रंथि की अल्प तथा अति क्रियाशीलता से उत्पन्न होने के कारण हृदय रोग, फुफ्फुस, कंठ विकार, अनिद्रा, मानसिक तनाव, टॉन्सिल, अजीन, आमवात, जलोदर, क्षय और ज्वर में लाभप्रद रहता है। ऐसे दोस्तों अनुलोम विलोम करने से कैंसर, सिस्ट तथा त्वचा विकार, सोयासाइसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, SLE, नपुंसकता, एड्स, जुकाम, अस्थमा, खांसी, टॉन्सिल आदि कफज विकारों और कोलेस्ट्रॉल जन्य सभी विकारों में लाभप्रद रहता है। अनुलोम विलोम रोजाना करना चाहिए। दोस्तों ब्राह्मी परिणाम। ब्राह्मी परिणाम के अनुसार दोस्तों कैंसर, अवसाद, आधा सीसी का दर्द, आधा सीसी का दर्द दोस्तों अगर किसी के आधे सिर में दर्द होता है उसके लिए हृदय विकार, नेत्र रोग, मानसिक तनाव, उत्तेजना और उच्च रक्तचाप जिसको होता है उसके लिए लाभप्रद रहता है ब्राह्मी परिणाम। फिर है दोस्तों उद्गीत परिणाम। इसके लिए श्वास आदि का जो कफज विकारों में लाभप्रद रहता है। ऐसे दोस्तों परिणव परिणाम होता है वो अवसाद आदि मानसिक विकारों में परिणाम लाभप्रद रहता है। दोस्तों ये सभी प्रकार के जो परिणाम होते हैं वो सभी प्रकार की रोगों को दूर करने में लाभप्रद रहते हैं। अब जानेंगे दोस्तों विभिन्न व्याधियों में प्रयुक्त षटकर्म की कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं। षटकर्म की क्रिया स्थूल शरीर को शुद्ध करती हैं, साथ ही साथ दोस्तों ये सूक्ष्म शरीर को शुद्धिकरण में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस क्रिया के अभ्यास से कफज विकार, वातज विकार, पित्तज विकार, कुष्ठ रोग, उदर रोग, फुफ्फुस विकार, हृदय तथा वेग की विकृतियाँ दूर होती हैं। दोस्तों अब जानेंगे हम षटकर्म कौन कौन से होते हैं। षटकर्म में दोस्तों 6 कर्म होते हैं। उसमें दोस्तों सबसे पहले है नेति। नेति में आता है दोस्तों जल नेति, सूत नेति और घृत नेति। मुख्यतः नासा मार्ग के शोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो मतलब नाक के द्वारा जो शोधन किया जाता है शरीर का उसके लिए नेति का प्रयोग किया जाता है। नेति के अभ्यास से नासा विकार, कंठ विकार, दृष्टि विकार, नेत्रदाह, नेत्र शोध, नासा शोध आदि ऊर्ध्व जंतु विकारों में लाभ प्राप्त होता है तथा दोस्तों कपाल का भी शोधन करता है, मतलब खोपड़ी का भी शोधन करता है। अब जानेंगे दोस्तों जो सेकंड है वो है धोती। धोती का मतलब होता है वमन धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती और कुंजर क्रिया। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें प्रधानता उदर शोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो पेट की जो शोधन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, अगर किसी को पेट जन्य विकार हैं तो उसके लिए धोती का क्रिया की जाती है। धोती के अभ्यास से अम्लपित्त, अग्निमांद्य, अरुचि, श्वास, कांस, दमा, पीलिया विकार, गुल्म, कुष्ठ, जीन, जठर रोग आदि लाभों विकारों में भी लाभप्रद रहता है। दोस्तों जो धोती के अभ्यास करने से अगर किसी के अंदर हाइपर एसिडिटी है, अगर किसी के जो अग्निमांद है मतलब उसकी अगर अग्नि अच्छे प्रकार से काम नहीं कर रही है, किसी के अरुचि है या फिर श्वास कांस या फिर दमा पीलिया विकार या किसी को गुल्म कुष्ठ या जीन जो ज्वर होते हैं उनके लिए दोस्तों धोती का प्रयोग किया जाता है।
उसी प्रकार दोस्तों थर्ड है उसका शंख प्रक्षालन। इसका प्रयोग करने से उदर रोग, कवज, मंदाग्नि, अमलपित्त, मधुमेह, श्वास, हृदय रोग, सिरसूल, जीवा विकार, नेत्र विकार आदि विकारों में लाभप्रद रहता है। दोस्तों अब जानेंगे वस्ति। वस्ति जो होती है दोस्तों वो जल वस्ति या पवन वस्ति किसी भी तरह से कर सकते हैं। प्रधानतः दोस्तों पकवाश्य के शोधन के लिए, दोस्तों स्टमक होता है उसके शोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों बड़ी आंत की शुद्धि होती है और धातु विकार विरुद्धों सपन दोष में भी लाभप्रद रहता है। दोस्तों इसमें एक नोट बताया है कि अर्शबगंधर आंत्रवर्ण एवं गुद शोधन, अगर किसी को ये डिजीज है अर्शबगंधर आंत्रवर्ण और गुद शोधन उसमें दोस्तों इनका प्रयोग नहीं करना है। जो कि अभी वस्ती के बारे में बताया था इनका प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। जैसे किसी को वस्ती के अंडरटेक, जैसे किसी को पकवाश्य शोधन के लिए ज़रूरत है, अपनी बड़ी आँख की शुद्धि करवानी है या फिर धातु विकार विवंध या सपन दोष में विकारों को ठीक करना है, तो उसके लिए दोस्तों उसको अर्शबगंधर या आंत्रवर्ण या गुद शोध इन प्रकार के रोग होने नहीं चाहिए। अब जानेंगे दोस्तों त्राटक के बारे में। प्रधानतः नेत्रगत मल और प्रकोपित कफ के शोधन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेत्रगत मतलब कि जो आँखों से रिलेटेड जो मल होता है और प्रकोपित कफ को शोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग करने से नेत्र गोलक की मांसपेशियों का बल मिलता है तथा दोस्तों दृष्टिशक्ति बढ़ती है और वह आलस्य निद्रा का शमन करता है। फिर है दोस्तों नोली। नोली क्या होता है दोस्तों? मध्य नोली, दक्षिण नोली या वाम नोली किसी प्रकार की नोली होती है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें दोस्तों उदरगत अवयवों तथा मांसपेशियों का उत्तम व्यायाम होता है। इसका प्रयोग करने से पाचन क्रिया में सुधार होता है तथा मानसिक विकारों और जननेंद्रिय विकारों में भी लाभप्रद रहता है। इसमें दोस्तों क्या नोट बताया है? अगर किसी को आंत्रक्षय, आंत्रशोभ, उंडुकपुच्छशोथ या फिर उदरशोथ एवं गर्भवती स्त्रियों में इसका प्रयोग वर्जित है। दोस्तों अगर नोली का प्रयोग वो नहीं कर सकते जिनको आंत्रक्षय, आंत्रशोभ, उंडुकपुच्छशोथ और उदरशोथ है या फिर जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो नोली का प्रयोग नहीं कर सकते। नोली में दोस्तों उदरावत अवयवों के साथ साथ मांसपेशियों का उत्तम व्यायाम है। इसके लिए पाचन क्रिया में सुधार के लिए किया जाता है। साथ ही साथ मानसिक विकारों और जननेंद्रिय विकारों में लाभप्रद रहता है। अब जानेंगे दोस्तों विशेष ध्यान देने वाली कुछ योग्य बातें। सभी योगिक क्रियाओं का अभ्यास विधि पर समय वृद्ध रूप से मध्यम गति और शारीरिक क्षमता अनुसार करना चाहिए। अत्यधिक जोर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों जो भी हम किसी भी प्रकार के जब प्राणायाम या आसन किया जाता है वो अपने शरीर की आदि शक्ति के अनुसार करना चाहिए, मध्यम गति से करना चाहिए। स्पीड ज़्यादा तेज नहीं बढ़ानी चाहिए, ना ही वो धीमी रखनी चाहिए। और दोस्तों अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करना चाहिए, कभी भी जोर लगाकर व्यायाम या प्राणायाम करना नहीं चाहिए। दूसरा दोस्तों योग आसन में प्राणायाम के लिए सबसे स्वच्छ वायुयुक्त हवादार स्थान का सर्वोत्तम होता है। दोस्तों अगर आप योग आसन करते हैं, योग अभ्यास करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो उसके लिए आपको स्वच्छ वायु युक्त हवादार कमरे में बैठना है, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अधिक सर्दी वाले या फिर अपनी सहन शक्ति के अनुसार कमरे से न्यूनतम तापमान पर भी अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी पर अधिक सर्दी के समय अपनी सहनशीलता के अनुसार कमरे के न्यूनतम तापमान में आप अभ्यास कर सकते हैं। सभी व्यायाम या योग आसन सुबह खाली पेट करना ही सबसे ज़्यादा उत्तम रहता है। यदि सायंकाल करना हो तो भोजन के 4 घंटे बाद ही करना चाहिए। दोस्तों जितने भी व्यायाम या आसन होते हैं वो हमेशा सुबह सुबह करने चाहिए। अगर दोस्तों आप शाम को भी करना चाहते हैं तो उसे याद रखना चाहिए कि व्यायाम करने से पहले 4 घंटे तक आपने कोई खाना नहीं खाया है। डिस्क संबंधी समस्याएं एवं कमर व पीठ के दर्द की स्थिति में आगे झुकना वाले व्यायाम को नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको डिस्क संबंधी समस्या है या फिर कमर व पीठ के दर्द से संबंधित समस्या है तो उन आसनों को करने के लिए आपको आगे झुकने का अभ्यास ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ऐसे दोस्तों हर्निया, पेट की सर्जरी, चोट के पश्चात तीव्र हृदय रोग व अन्य अल्सर आदि जीर्ण रोगों के ग्रसित व्यक्तियों को पीछे झुकने वाले तथा पेट से खिंचाव और दबाव पैदा करने वाले अभ्यासों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर किसी को हर्निया है या पेट की सर्जरी करवाई है हाल फिलहाल में या किसी के चोट के पश्चात तीव्र हृदय रोग या अन्य अल्सर जैसी बीमारियाँ या फिर किसी को बहुत लंबे समय से जीर्ण जवर हुआ पड़ा है या उसे पीछे झुकना नहीं चाहिए और ना ही अपने पेट को खिंचाव देने वाले कोई अभ्यासों को करने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों आयुर्वेद में मुख्यतः 3 दोष जैसे कि वात, पित्त, कफ का प्रकोपित होना या विषम होना रोग उत्पत्ति का कारण माना जाता है। 3 दोषों का संबंध विविध शरीरगत तंत्र व संसाधनों में होता है। इसलिए सही ढंग से नियमानुसार आसन, प्राणायाम, ध्यान व व्यायाम करने के लिए 3 दोषों को समावस्था में रखना चाहिए और उनको ठीक किया जा सकता है। दोस्तों आयुर्वेद मानता है कि अगर हमारे 3 दोष वात, पित्त, कफ प्रकोपित रहेंगे तो हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अगर रोग उत्पन्न होने की वजह से बहुत सारे डिजीज हमारे शरीर को घेर लेंगे और शरीर के स्वस्थता का ह्रास कर देंगे। इसलिए दोस्तों आयुर्वेद का सबसे पहले मुख्य कार्य यही होता है कि 3 दोषों का
संबंध स्थापित करके उन तीनों दोषों को हमेशा समावस्था में लाया जाता है। इसके लिए दोस्तों बहुत सारे तंत्रिका तंत्र या शारीरिक तंत्र और संस्थाओं में बहुत सारी प्रक्रिया की जाती है। इसलिए बहुत अच्छे और सही ढंग के अनुसार अपने नियम अनुसार आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ध्यान में व्यायाम करने के लिए तीनों दोषों को समस्थिति में रखने के लिए हमें आसन, प्राणायाम या ध्यान की जरूरत होती है। इसके लिए दोस्तों हमें गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए तथा किसी गुरु को मना कर ही हमें आसन, प्राणायाम, ध्यान और व्यायाम करना चाहिए। इससे दोस्तों क्या होगा, इससे दोस्तों हमारे जो शरीर के अंदर तीनों प्रकार के दोष रहेंगे वे समावस्था में बने रहेंगे और हमारे शरीर की जो स्वस्थता रहेगी वो काफ़ी हद तक बढ़ी रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और भी अच्छी वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक दी गई है, आप वहाँ पर जाएँ और हमको फॉलो करें।